सुप्रिया श्रीनेत ने उड़ाई बीजेपी की धज्जियां। मोदी से सुप्रिया ने पूछे तीखे सवाल। बता दिया कैसे जीतते हैं मोदी चुनाव। आरएसएस के सर्वे के जरिए सुप्रिया ने खोले धागे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी डाल डाल तो कांग्रेस पात पात। कांग्रेस जानती है कि कैसे बीजेपी के हर झूठ का पर्दाफाश करना है, कैसे बीजेपी के हर आरोप का जवाब देना है, कैसे सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना है। लेकिन शायद भाजपा ये भूल गई है कि कांग्रेस भले ही आज सत्ता से दूर हो, लेकिन इतनी कमजोर नहीं हुई कि बीजेपी के झूठे आरोपों का जवाब देना भूल जाए या फिर जवाब ही ना दे पाए। हाँ, ये सच है कि लगातार पीएम बनते आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज बेवजह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मोदी लहर से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी और बीजेपी जानती है कि भोली भाली जनता के बीच कौन सा एजेंडा सेट करके वोट बटोरे जा सकते हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम और जात पात की राजनीति कर वोट बटोरती है, लेकिन इस बात को हमेशा नकारती आई है कि पार्टी कभी जातिगत और धर्म की राजनीति करती आई है। जब भी रिपोर्ट की बात आती है, रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, महंगाई पर बात करना चाहते हैं लोग, तो बीजेपी तुरंत राम मंदिर का जिक्र कर देती है। राम मंदिर को अब बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा बनाकर चल रही है। सभी बातों से किनारा करते हुए बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का राग अलापने लग जाती है। लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि असल मुद्दों को कैसे उठाना है। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और मोदी दोनों के धागे खोल दिए। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसके साथ ही श्रीनेत ने यह भी कहा कि आरएसएस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खस्ता है। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ कैप्शन में भी लिखा है। इसके बाद आपको सबसे पहले वो पोस्ट दिखाएंगे, फिर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा वो भी विस्तार से आपको सुनाएंगे। तो कांग्रेस ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, 10 साल चलाने के बाद जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो पीएम मोदी अपनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर आ गए हैं। 10 साल बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बजाय वे हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। ये सच है कि पीएम मोदी बौखला रहे हैं। आरएसएस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खस्ता है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस का न्याय पत्र दिखाता है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। विरोधी भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण वाला घोषणा पत्र है। चलिए, अब आपको बता दिया कि कांग्रेस ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें क्या कुछ लिखा है। अब आपको सुनवाते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ दावे किए हैं और कैसे मोदी की पोल खोल दी है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की शर्म आती है। कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ के लगता है कितनी घटिया भाषा है, और उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया व्हाट्सएप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कुवत रखते हैं, सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए। लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यह सच है कि वो घबराए हुए हैं, यह सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। यह भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, या जो हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से आया, उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्राथमिकताएं क्या है। हमारे घोषणा पत्र की चर्चा आप जैसे मीडिया के प्रबुद्ध साथियों ने की, विशेषज्ञों और जानकारों ने की, और विरोधियों को भी यह कहना पड़ रहा है कि एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है
ये एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए, और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमबद्ध तरीके से समाधान है। तो सुप्रिया श्रीनिवास अक्सर बीजेपी को आईना दिखाती रहती हैं। कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है, सुप्रिया श्रीनिवास जो कुछ भी उनमें कह रही हैं, उस पर अब लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए हैं। अजक्स नाम के एक यूजर ने लिखा, भाजपा को सिर्फ कलेश करना आता है, भाजपा का नारा कलेश परमो धर्मा। सतेंद्र कुमार पुनिया नाम के यूजर लिखते हैं, मोदी भगाओ देश बचाओ। अवध कांत नाम के एक यूजर ने लिखा, देश को मोदी गर्त में ले जा रहे हैं, इन मूर्खों को केवल धर्म से मतलब है। अरे मूर्खों सोचो, तुमने घर बनवाने के लिए कोई मिस्त्री लाओ, वो पूरा दिन काम ना करे, शाम को आप जब उससे पूछो कि काम क्यों नहीं किया तो वो बोले जय श्री राम, पैसे दे दो मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा तो तुम क्या बोलोगे, वही काम मोदी कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अब जनता जान चुके हैं कि जुमलों से कैसे निपटना है। वैसे जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनिवास ने बीजेपी को जवाब दिया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्ते।